फतेहपुर जिले के गांधी सभागार में रविवार को जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री ने चमोली में ग्लेशियर टूटने पर कहा कि जो भी लोग इस बड़ी त्रासदी में गए हैं वह उन्हें परिवार वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। और गंगा किनारे हमारा जिला भी है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे जिले में आते आते ये कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कृषि बिल पर किसानों द्वारा किए गए आंदोलन पर कहा कि परेशानी किसानों को नहीं है, परेशानी उन लोगों को है जो मंडियों के माध्यम से पैसा कमाने का रास्ता बनाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने किसानों द्वारा चक्का जाम के ऐलान पर कहा कि जो भी हुआ वहाँ कोई किसान नहीं था, वहाँ कांग्रेस सपा बसपा जैसे लोग झंडा लेकर खड़े थे, क्योंकि किसान समझ चुका है कि जिस किसान के पास एक बीघे दो बीघे एक हेक्टेयर वाले किसानों को अगर 6,000 रुपये मिल रहा है और बजट में इसका प्रावधान किया गया है तो यह किसके लिए है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर विपक्षियों द्वारा किए गए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को अगर मोदी जी से विरोध है तो उनसे विरोध करे, किसी मंत्री से विरोध है तो उनका विरोध करे, लेकिन देश के विकास के लिए जो कार्य हो रहा है उसका विरोध ना करे। जो भी कार्य हो रहा है वह गरीबों के लिए हो रहा है। बताना चाहती हूँ, परेशानी किसान को नहीं है, परेशानी उन लोगों को है जो मंडियों के माध्यम से कमाने का रास्ता बनाते हैं। ये लोग कह रहे मंडी प्रथा, मंडी खत्म होगी, मंडी नहीं खत्म होगी। किसान के लिए रास्ता खोला गया, किसान अपनी फसल को किसी भी बाजार में जाकर के बेच सकता है। अरे भैया मोदी जी से विरोध है, मोदी जी का विरोध करो, सरकार के किसी मंत्री से विरोध है उसका विरोध, लेकिन देश में जो काम हो रहा है उसका विरोध तो ना करो ना। गरीब के लिए काम हो रहा है, किले के अंदर जो हुआ उसको कोई स्वीकार करेगा? किसान वहां जाएगा क्या? नहीं जा सकता, वहां तो वही जाएगा जो देश को बदनाम करना चाहता है। अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा अंतरूनी मामला है, हमारे देश का अंदर का मामला है, ये कैसे लोग फेसबुक में डाल रहे हैं? हमारा देश एक है और एक नहीं होता तो कितनी बार ये देश में लोग लूटने आए, देश को तोड़ने आए, उसके बावजूद भी देश मजबूत है। तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरा तो मानना यह है कि किसान एक मजबूत कड़ी है जिसको ये लोग बरगलाने में लगे हुए हैं।